हेलो हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर नंबर टू मुंबई यस इट्स मुंबई इन लास्ट चैप्टर व्हाट वी हैड सीन वी हैड सीन अबाउट दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इन दिल्ली देर आर वेरियस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट्स बिकॉज इट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया तो जो तो सारा गवर्नमेंट का काम होता है वो कहाँ से होता है दिल्ली से होता है दिल्ली हैज़ ए गुड ट्रेड रिलेशन विथ इट्स नेबरिंग नेबरिंग स्टेट्स नहीं इवन ऑल ओवर इंडिया पूरे इंडिया के साथ दिल्ली के गुड ट्रेड रिलेशनस है हमने ये देखा दिल्ली में घूमने की जगह में हमने क्या देखा रेड फोर्ट अक्षरधाम टेम्पल और कुतुब मीनार ठीक है हम दिल्ली में अम्यूजमेंट पार्क देखे सो so, अब दहली चैप्टर हमने देख लिया अब देखते हैं हम मुंबई ठीक है दहली मुंबई इसके बाद आएगा कोलकाता और इसके बाद आएगा चेन्नई ये सारे चारों चैप्टर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है इंटरलिंक्ड है लेकिन चारों चैप्टर जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इस चैप्टर में क्या था उस चैप्टर में क्या था इस चैप्टर की जगह है क्या है देखने की उस चैप्टर की जगह क्या है देखने की तो हम उसको अच्छे से सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी एक बार और देखेंगे लेकिन आप दिल्ली चैप्टर तक जब हमने पढ़ा तब तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था क्योंकि वो पहला चैप्टर था अब मुंबई में भी दिल्ली जैसे ही सेम टू तो सेम चीजें आएगी कि मुंबई में घूमने की जगह कौन सी है मुंबई का खाना कौन सा है मुंबई में कौन सी ऑफिसेज है मुंबई में वाटर सप्लाई कैसे होती है तो ये सारी चीज़ें अब आपको दिमाग में रखनी कि कौन सा दिल्ली का है कौन सा मुंबई का है फिर आगे के चैप्टर आएंगे कोलकाता और चेन्नई उसमें भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा कोलकाता का है कौन सा चेन्नई का है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर टू के साथ मुंबई मुंबई इज द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई इंडिया का महानगर है क्या है मेट्रोपोलिस है बिगेस्ट मेट्रोपोलिस ठीक है सबसे बड़ा महानगर मुंबई माना जाता है ऐसा कहता है सपनों की नगरी कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को क्या कहा जाता है सपनों की नगरी मुंबई इज वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दुनिया की इंडिया की नहीं बोला क्या बोला दुनिया की पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पे पॉपुलेटेड कौन है मुंबई है ठीक है अब फर्स्ट नंबर पे कौन आता है फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना में एक जगह है शंघाई ठीक है चाइना में एक जगह है शंघाई वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और सेकंड नंबर पे आता है मुंबई तो इनडायरेक्टली इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है लोगों की मुंबई में है देखिए अलियर इट वाज नोन इज बॉम्बे पहले इसको क्या कहा जाता था पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल हियर यहाँ की कैपिटल क्या है कहाँ की कैपिटल है ये मुंबई मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है ठीक है हमने दिल्ली के बारे में क्या पढ़ा था दिल्ली किसी की कैपिटल नहीं है क्योंकि दिल्ली क्या है एक यूनियन टेरिटरी है ठीक है ना तो मुंबई किसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की हमारे एमपी की कैपिटल कौन सी है भोपाल तो हमारे एमपी से सारे रिलेटेड काम कहाँ होते हैं भोपाल में होते हैं वैसे ही महाराष्ट्र से सारे रिलेटेड गवर्नमेंट के काम जो होंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो कहाँ से होंगे वो मुंबई से होंगे मुंबई हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री मुंबई की भी हिस्ट्री बड़ी है हमने दिल्ली की हिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि उसके पांडवज आए थे उसके बाद शाहजहां ने उसको चेंज करा के रिनोवेट करा के अपने नाम पे शाहजहाँ बात कर दिया था उसके बाद एडवर्ड लूटियंस और सर हारब्रिट करके कोई आया था दो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को टू पार्ट्स में बांट दिया था ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली अब यहाँ मुंबई में क्या बता रहे हैं चलो मुंबई का भी देख लेते हैं मुंबई इज अ लॉन्ग हिस्ट्री अर्लियर इट वॉज ऑक्यूपाइड ट्राइब्स ऑफ फिशरमैन कॉल्ड कॉलिस पहले मुंबई जो सिटी थी अब मुंबई अभी तो इतना बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं था तो पहले क्या था कि एक कबीला था फिशरमैन का मछुआरों का एक कबीला था उन्होंने उनको क्या कहा जाता है कॉलिस क्या कहा जाता है कॉलिस पॉलिस नहीं कॉलिस उन्होंने क्या कर रखा था उन्होंने इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा रखा था इट वॉज देन रूल्ड बाई मैनी किंग इन एशियन टाइम्स फिर उसके बाद बहुत सारे राजा महाराजा आए पुराने समय में ठीक है उन्होंने उसको सिटी पे रूल किया ठीक है विच फॉलोड बाई पोर्टिग्यूज एंड फाइनली इट कम्स अंडर ब्रिटिश रूल ठीक है कॉलिस सबसे पहले फिशरमैन कॉलेज थे उसके बाद बहुत सारे राजा महाराजा आए उन्होंने अपना कब्जा किया उसके बाद आए ठीक पोर्टिंग पुर्तगाल के लोग ठीक है उसके बाद कौन आ आ गए गए फाइनली अंग्रेज और अंग्रेजों ने अपना कब्जा मुंबई पे जमा लिया ठीक है लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कहां पर लोकेट है इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट मतलब सम जो कोस्टल एरिया मतलब होता है समुद्र के पास का एरिया तो समुद्र के पास के वेस्टर्न एरिया पे लोकेटेड है अलोंग द बैंक्स ऑफ अरेबियन सी कोई से रिवर के बैंक पे नहीं है जैसे दिल्ली रव, रिवर यमुना की बैंक पे है ना ये कोई रिवर की बैंक पे नहीं है ये कौन सी बैंक पर है अरेबियन सी अरेबियन सी कहाँ है इस साइड मैंने आपको बताया भी था यहाँ ए है तो यहाँ पे बी है अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल तो अरेबियन सी के इस साइड है कॉर्नर पर बसा हुआ है मुंबई इज इम्पॉर्टेंट पोर्ट एज शिप कैरी गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सेट एंकर हीयर ठीक है मुंबई का जो शिपिंग के लिए भी मुंबई को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारा माल सामान मुंबई आता है थ्रू शिप्स ऑल द ऑफिसज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई मैंने वो क्या बोला कि मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की तो सारी गवर्नमेंट ऑफिसज कहाँ हैं मुंबई में ही है द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लिव इन मुंबई तो सारे लोग कहाँ रहेंगे सारे लोग मुंबई में ही रहेंगे इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुंबई सर्व एज द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है आर्थिक केंद्र है आर्थिक केंद्र मतलब यहाँ पर हर तरह का बिजनेस हर तरह का सब कुछ हो जाता है इकोनॉमी मीन्स कुछ चीज पैसों से रिलेटेड ठीक है तो पैसों से रिलेटेड यानी मीन सब तरह का बिजनेस यहाँ पे अवेलेबल है मुंबई हैज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सबसे बड़ी कपड़ों की इंडस्ट्री है मुंबई में द स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इन कंट्री मुंबई का जो इम्पोट स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा अब थोड़े बड़े हो जाओगे ना सेवेंथ एट्थ क्लास में तो आपको ये टॉपिक आएगा स्टॉक एक्सचेंज उसमें आपको समझ में आएगा अभी आपको खाली इतना ही समझना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली क्या करते हैं लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ठीक है ठेके? और फिर उनको उस पैसे के ऊपर क्या मिलता है रिटर्न मिलता है तो बॉम्बे मुंसिपल कॉरपोरेशन बी एम सी लुक्स आफ्टर द वाटर सप्लाई इन द सिटी कौन देखता है बी एम सी बी एम सी मतलब वहाँ की जो जो महानगर पालिका है मुंबई की ठीक है हमारे मंदसौर में क्या है नगर पालिका है दलोदा में क्या है ग्राम पंचायत है तो वो लोग देखते हैं पानी की सप्लाई हमारा कचरा लेके जाना घर से आते हैं ना कचरेकारी वाले तो ये सब कौन आता है हमारे जैसे मंदसौर में नगर पालिका वाले आते हैं दलोदा में पंचायत वाले आते हैं ठीक है ठीके? So, ये लोग देखते तो वैसे ही मुंबई मुंबई में मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन देखता है किसकी वाटर सप्लाई पर दिल्ली में हमने कुछ और पढ़ा था दिल्ली में क्या है दिल्ली में उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है दिल्ली जल बोर्ड वो देखता है इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट बेस्ट ऑल्सो रंस पब्लिक बसेस इलेक्ट्रिसिटी और बसेस ये दोनों कौन संभालती हैं बेस्ट बेस्ट मतलब बेस्ट का फुल फॉर्म क्या है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट देखो नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करेंगे का का और ट्रांसपोर्ट का काम पड़ेंगे का का मुंबई में जो ना लोकल बसेस चलती है जैसे आप लोग इंदौर गए हो अगर आप में से कोई मुंबई नहीं गया हो लेकिन इंदौर गया हो तो इंदौर में सिटी बस चलती है ना वैसे ही मुंबई में बेस्ट की बसेस चलती है थोड़ी रेड कलर की होती है वो बेस्ट की बसेस होती है मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा पीपल जनरली ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन एंड बसेस एज दे आर वेल कनेक्टेड टू ऑल प्लेसेस और पीपल लोकल ट्रेन और बसेस से क्यों ट्रैवल करते हैं क्योंकि बसेज और लोकल ट्रेन ना ऑल सिटी से पूरा मुंबई बहुत बड़ा है हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही जैसे हमारे यहाँ मंदसौर से प्रतापगढ़ पड़ता है ना थर्टी टू किलोमीटर्स तो मंदसौर से प्रतापगढ़ जाना में ही मुंबई मुंबई में ही आपको इतना इतना लंबा डिस्टेंस तो हो ही जाएगा ये तो मैं तो भी प्रतापगढ़ तो छोटा बता रहा हूँ मुंबई अपने मंदसौर से इंदौर जाने जितना इंदौर तक भी जाएंगे ना तो भी वो भी पूरा मुंबई मुंबई का हिस्सा है इतना बड़ा मुंबई है एक जगह से दूसरी जगह जाना अपनी गाड़ियों से कई बार लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है तो तब क्या सस्ता पड़ता है तब लोकल ट्रेन्स और बसेस सस्ती पड़ती है और मुंबई में लोकल ट्रेन्स का एक बहुत बड़ा जाल है जाल है मतलब इन सेंस कि मुंबई को क्या कर रखा है मुंबई को बांट रखा है अलग अलग उसमें इलाकों में क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है बहुत बड़ी सिटी है मुंबई इंडिया की तो मुंबई जैसे हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मंसौर में क्या है गांधी चराह है मंदसौर में क्या है बीपीएल पी है मंदसौर में आ, बस स्टैंड है फिर मंदसौर में महाराणा प्रताप बस स्टैंड है तो ये सारे एरिया हो गए मंदसौर के तो वैसे ही वहाँ के सब एरिया है मातुंगा दादर फिर अंधेरी जूहू ठीक है चौपाटी ये सारे जो एरियाज़ हैं ना ये सारे एरियाज़ मतलब बहुत दूर दूर है लाइक कैसे हो गया कि एक हो गया आपका रतलाम हो गया एक हो गया आपका दलोदा हो गया एक पिपलिया हो गया एक मंदसौर हो गया तो यहाँ पर एक जगह से दु... ये है सभी मुंबई में ही पर एक जगह से दूसरी जगह जाने जाने में किलोमीटर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है लोकल ट्रेन की लोग ज़रूरत पड़ती क्योंकि लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि रहते दादर में हैं और उनकी जॉब का होती है उनकी जॉब अंधेरी में होती है like, लाइक मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ कि सपोज कर लो कि दादर को आप मान लो मंदसौर और अंधेरी को आप मान लो रतलाम तो उनको रोज इतना ट्रैवल करना पड़ता है आ, अपनी जॉब पर जाने पर है सब ये मुंबई में ही तो इस इतनी बड़ी मुंबई है तो यहाँ पर इसीलिए लोग कई बार तो अपनी गाड़ियाँ जिसके पास सैलरी अच्छी जिसके पास पैसा अच्छा है वो तो अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर लेता है पर जिस जो वेल सेटल well नहीं है तो वो फिर लोकल ट्रेन से जाते हैं ठीक है थीके? तो वो ट्रेन लोकल ट्रेन का मतलब लोकल नाम नहीं लोकल आ रहा है तो लोकल का मतलब मुंबई मुंबई में ही चलती है वो ट्रेन मुंबई मुंबई की सब उसमें आपको लेके जाएगी क्लाइमेट कैसा है मुंबई का तो क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट मध्यम ठीक है इट इज ना टू हॉट नॉट टू कोल्ड ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड विंटर्स आर क्वाइट एंजॉयल एंड प्लीजेंट गर्मी तो बहुत खतरनाक होती है मुंबई की हॉट और ह्यूमिड होती है एकदम पसीना बहुत जल्दी हो जाता है जैसे हमारे यहाँ जितना टेम्परेचर होता है ना उससे भी कम टेम्परेचर होता है मुंबई में हमारे जब गर्मी में एकदम गर्मी पड़ती है ना तो हमारे यहाँ टेम्परेचर चालीस पैंतालीस लगभग पहुँच जाता है आजकल पर मुंबई में इतना नहीं पहुँचता मुंबई में पैंतीस चालीस रहता है लेकिन मुंबई मुंबई की गर्मी ऐसी रहती है कि आप बस घर से बाहर निकलोगे ना तो आपके पूरा कपड़े पसीने पसीने में लथपथ हो जाएंगे मीन्स एकदम गीले गीला महसूस होगा आपको तो वैसी Dormí último un becky. विंटर्स सर्दी इंजॉएबल होती है इंजॉयबल होती है मतलब कैसे जैसे अभी हमारे यहाँ सर्दी स्टार्ट होती है तो सर्दी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सर्दी कैसी होती है मतलब इतनी कोई ज़्यादा नहीं लगती रात को और सुबह को लगती है दिन में लग लग नहीं रही है दिन में हमको पंखा चलाना पड़ता है जब स्टार्टिंग में सर्दी धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाबी ठंड कौन सी ठंड गुलाबी ठंड तो वहाँ पर वैसी ही ठंड रहती है वहाँ पर ऑल टाइम जैसे अभी हमारे यहाँ खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है वैसी ठंड कभी भी नहीं रहती वहाँ पे ठीक है तो वहाँ पर विंटर्स इंजॉयबल होते हैं मुंबई गेट हैवी रेनफॉल इन जून जुलाई एंड अगस्त जून जुलाई अगस्त में बहुत खतरनाक बारिश होती है मुंबई में द ब्यूटी ऑफ मुंबई इंक्रीजेज मेन फॉल ड्यूरिंग द रेन्स और मुंबई अगर घूमने जाना है तो स्पेशली बारिश के बाद बारिश के बाद जब सब जगह हरियाली होती है ना तब वहाँ पर घूमने जाना सबसे बढ़िया टाइम है मुंबई घूमने जाने का पीपल कल्चर एंड फूड ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई इज कॉल्ड कर जो मुंबई में रहता है उसको क्या कहा कहा जाता है मुंबई कर कहा जाता है क्या कहा जाता है कि ये तो मुंबई कर है पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर्स लिव टूगेदर इन द सिटी अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं ये चीज़ हमने दिल्ली में भी पढ़ी थी कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पर तो मुंबई में भी बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं अब आपके आसपास ही आपने अपने यहाँ देखो कि हाँ वो भी है तो मुंबई रहते हैं आपके कोई रिश्तेदार मुंबई रहता होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग मुंबई रहते हैं मुंबई सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया की तो मुंबई क्या है बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं ठीक है बिलोंग मुंबई इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर मुंबई क्या है अलग अलग कल्चर का मिश्रण है वहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं जैसे एक आप एक सोसाइटी है लाइक सोसाइटी सबसे जैसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोकुल डाम सोसाइटी है ठीक है तो उस गोकुल डाम सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लाइक भीड़े मास्टर भीड़े मास्टर क्या है मराठी है फिर अपने जेठालाल गुजराती है फिर वो अयर भैया अय्यर भाई क्या है वो है क्या कहते हैं साउथ से बिलोंग करते हैं ठीक है ठीके? फिर वो सोडी पंजाबी है तो वैसे ही वहाँ पे ये गोकुल धाम सोसाइटी एक एग्जाम्पल एक है वैसे वो तो सीरियल में बता रखा है बट एक्चुअल में भी मुंबई में ऐसे सोसाइटीज़ होती है और लोग अलग अलग जगह के लोग अलग अलग धर्म के लोग मिलकर मिलजुल साथ में रहते हैं ठीक है ठीके? all important indian festivals are celebrated here the most important of which is ganesh chaturthi here are all important फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा धाम से क्या मनाया जाता है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है मीन्स गणेश चतुर्थी के टाइम तो जब जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होने वाला होता है ना उस दिन तो ऐसी हालत होती है कि आप मुंबई की सड़कों पर चल तक नहीं सकते हो मींस इतनी भीड़ होती है और मतलब दो दिन की तो छुट्टी ही होती है मुंबई में गणेश चतुर्थी में विसर्जन के टाइम पर तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ठीक है मुंबई का भेलपुरी पाव भाजी वड़ा पाव एंड पानीपुड़ी आर द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड क्या भेलपुरी पाव भाजी वड़ा पाव एंड पानीपुड़ी ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट फूड आइटम है श्रीखंड शीरा एंड पुरन पोली आर द पॉपुलर डेजर्ट और डेजर्ट्स में क्या आता है यहाँ पर डेजर्ट्स का मतलब होता है विशिष्ट व्यंजन जो सबसे हटके ठीक है विशिष्ट व्यंजन में शीरा, पुरन पोली और, और शर्ख आता है साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ फूड आर वेरी पॉपुलर हियर आजकल तो हर जगह ही साउथ इंडियन और चाइनीज फूड पॉपुलर है अगर हम हम में जाए तो मंदौर में गांधी चौराहे से स्टेशन रोड के बीच में हम जब जाते हैं तो वो जो पूरा खाने का मार्केट बन गया है वहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको चाइनीज़ और साउथ इंडियन ही मिलेगा मसाला डोसा और ये सब और चाइनीज में ये सारा चाइनीज का मिलता है ठीक है सो so, ये कोई नई बात नहीं है ये अब सब जगह का नॉर्मल हो गया है ठीक है तो यहाँ की मेन खाने की चीजों में क्या क्या फे, फेमस है भेल पाव भाजी वड़ा पाव एंड पानीपुरी ठीक है देखो इसको याद रखने के लिए दो चीज याद रखोगे पाव और पूरी मुंबई के लोग क्या खाते हैं पाव खाते और पूरी खाते हैं पाव खाते पूरी खाते कैसे कह रहा हूं मैं देखो भेलपूरी में पूरी है ठीक है पानी पूरी में पूरी है तो दो चीज़ तो पूरी की हो गई अब पाव की दो चीज़ें पाव भाजी और वड़ा पाव ठीक है और जब से उसमें से वड़ा पाव तो ना इतना फेमस है मुंबई का <coughs> जैसे हमारे यहाँ हर जगह कचौड़ी समोसे मिल जाते हैं ना अरे कच, कचौरी समोसे ज्यादा तो हमारे यहाँ हर जगह पोहे मिल जाते हैं पोहे कचौरी समोसे ये तीन चीज हमारे यहाँ लगभग हर जगह मिल जाएगी तो भी पोहे तो चलो सपोज है कि ग्यारह बजे बारह बजे खत्म हो जाते हैं पर कचौरी समोसे तो ऑल टाइम मिलते तो वैसे यहाँ पे वड़ा पाव ऑल टाइम मिलेगा आपको ठीक है चलो सो so, आज के लिए इतना ही वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे